नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन इंडिया और मैं आपके साथ हितेश गोस्वामी। अभी हम लेकर आए हैं बिहार पंचायत चुनाव के पांचवें चरण के परिणाम और आपको बताएंगे कि आपकी पंचायत से कौन बना है मुखिया और इसके साथ ही तमाम पदों की जानकारी भी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हैं तो आपको कई परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक हमारी वेबसाइट का है, वेबसाइट पर भी हम लगातार लाइव अपडेट कर रहे हैं तमाम परिणामों को, तो ऐसे में आप वेबसाइट पर अवश्य जाइएगा जिसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप जाते हैं तो अपने जिले, प्रखंड और पंचायत का नाम अवश्य लिखिएगा ताकि आपके पंचायत का परिणाम हम आपको बता सके। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप अभी अपने सामने तमाम सीटों के परिणाम देख पा रहे होंगे, एजुकेशन इंडिया की वेबसाइट है जहां पर जाकर आप लाइव अपडेट देख सकते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले हम मुखिया पद के परिणामों की बात कर रहे हैं। आप अपने सामने औरंगाबाद का परिणाम देख रहे होंगे। औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड से पंचायत शमशेर नगर का परिणाम कुछ इस प्रकार रहा है कि विजेता अमृता कुमारी रही है। वहीं जहानाबाद के सदर प्रखंड की सुरुंगापुर पंचायत की बात करें तो यहाँ से नागेंद्र पासवान विजय घोषित हुए हैं। जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड के 3 रिजल्ट हमारे सामने आए हैं। अगर हम मटिया की बात करें तो यहाँ से महामणि देवी, गोरा पंचायत से संतोषी देवी और चिनवेरिया पंचायत से अश्विनी कुमार सिंह विजय घोषित हुए हैं। अगर हम बात कर ले आगे कुछ और परिणामों की तो हम मोतियारी की बात कर रहे हैं और मोतियारी के पकड़ी दयाल से अगर बड़का गांव पंचायत की बात करें तो संतोष बैठा विजय घोषित हुए हैं। और अगर अररिया की बात करें तो अररिया प्रखंड की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पर एक पंचायत है जमुआ और जमुआ के अंदर भीम जा घोषित हुए हैं विजय। वहीं मोतियारी के पताई प्रखंड से बलुआ जुल्फेक, काराबाद से अभिषेक राम को जीत हासिल हुई है। वहीं अगर सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड की बात करें, यहाँ पर मधुबन बसा पश्चिम की बात कर रहे हैं, इस पंचायत से सुरेंद्र पासवान को जीत हासिल हुई है। वहीं सीतामढ़ी के बाजपट्टी प्रखंड की एक और यहाँ पर सीट का परिणाम हमारे सामने आ रहा है और यह है फुलवरिया पंचायत और यहाँ से राकेश कुमार ने जीत हासिल की है। इस प्रकार से मुखिया पद के कुछ परिणाम आपको बताइए। कुछ और परिणाम अगर आपको बताए तो आपको बता दें हमारे सामने बाकी पदों के भी कुछ परिणाम आ रहे हैं। इसमें से आपको बता दें औरंगाबाद के दाऊदनगर प्रखंड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से शोभा कुमारी ने पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए जीत हासिल कर ली है। वहीं मोतियारी के बड़का गांव पंचायत समिति सदस्य पद पर सुनीता भारती ने जीत दर्ज की है। इस प्रकार से हमारे सामने परिणाम आ रहे हैं। अब तक के परिणाम थे जो हमने आपको बताए, आपको जैसा कि हमने आपको वेबसाइट भी बता दी है, ये हमारी वेबसाइट है जहां पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं लेकिन वहां पर अपडेट होने में समय लगेगा, लेकिन एजुकेशन इंडिया लेकर आएगा आपके लिए सबसे तेज अपडेट। तो अभी जाइए, उस लिंक पर क्लिक करिए और देखिए लाइव परिणाम सबसे पहले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस पंचायत से इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।